हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं मुनीश सिंह और हाजिर हूं इस बार कक्षा 12 का एक नया चैप्टर लेकर के, द रैट ट्रैप, जो कि लिखा हुआ है सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। द रैट ट्रैप, रैट मीन्स होता है चूहा और ट्रैप मीन्स होता है पिंजड़ा या जाल। चूहे का पिंजड़ा, तो चूहे के पिंजड़े को हम बोलते हैं चूहेदानी। इस शब्द का, द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का मतलब हो गया चूहेदानी। चलिए, तो आज हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम इस पाठ को पढ़ें, थोड़ा सा कुछ जानकारियाँ दी गई हैं अबाउट द आथर, लेखक के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उनको हम जान लेते हैं। क्या लिखते हैं? सेल्मा लेगरलॉफ 1858-1940 वॉज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेज। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। वो जो स्वीडिश, स्वीडिश मीन्स स्वीडन के, स्वीडन एक देश है, स्वीडन के रहने वाले को स्वीडिश कहा जाएगा। राइटर, लेखक, सेल्मा लेगरलॉफ स्वीडन के लेखक थे। हुज स्टोरीज, जिनकी स्टोरीज, कहानियाँ, हैव बिन ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया गया है इनटू मैनी लैंग्वेज, मैनी बहुत सारी लैंग्वेज भाषा में। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश लेखक थे जिनकी कहानियों का तमाम कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये यूनिवर्सल थीम, एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक थीम, दृश्य रन्स थ्रू, प्रवाहित होता है, बहता है, ऑल ऑफ देम, उन सब में ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द इसेंटियल गुडनेस, इसेंटियल अनिवार्य गुडनेस, भलाई, अच्छाई, इन ए ह्यूमन बीइंग, मानव में, कैन बी अवेकेंड, जगाई जा सकती है, थ्रू से, अंडरस्टैंडिंग, समझ एंड लव, और प्यार से। उन सब में एक सार्वभौमिक दृश्य प्रवाहित रहता है, उन सब में सार्वभौमिक दृश्य दिखाई पड़ता है, और वो ये है कि एक विश्वास है कि समझ और प्रेम से किसी भी व्यक्ति में एक अनिवार्य अच्छाई को, अनिवार्य भलाई को जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी, ये कहानी, इज सेट, स्थापित है एमिस्ट मध्य द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन की खदानों में। रिच, जो कि समृद्ध है, इन आयरन और आयरन, लोह, लो आय ओर मीन्स होता अयस्क। ये कहानी लोह अयस्क से समृद्ध स्वीडन की खदानों में स्थापित है। विच फिगर, जो कि बताती है लार्ज, बड़े पैमाने पर, इन द हिस्ट्री, इतिहास, एंड लीजेंड्स, किंवदंतियाँ, किंवदंतियाँ यानी कि जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं, ऑफ दैट कंट्री, उस देश की, और ये उस देश के इतिहास और किंवदंतियों को बड़े स्तर पर उजागर करती है, बड़े स्तर पर बताती है। द स्टोरी, ये कहानी, इज टोल्ड, कही गई है, वर्णन किया गया है, सम्राट कुछ इन द मैनर, तरीके से, ऑफ ए फेरी टेल, फेरी मीन्स होता परी, टेल मीन्स होता कहानी। ये कहानी कुछ परियों की कहानी के रूप में वर्णित है, परियों की कहानी के रूप में बताई गई है। तो ये थोड़ी सी जानकारियाँ दी आपके अबाउट द आथर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। पाठ के बारे में क्या लिखते हैं? द रेड ट्रैप, चूहेदानी, इज ए स्टोरी, एक कहानी है, दैट गिव्स अस, जो हमें देती है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक इनसाइट, अंतर्दृष्टि इनटू में ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मानव, नेचर, स्वभाव। चूहेदानी एक ऐसी कहानी है जो मानव स्वभाव को देखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। द ऑथर, लेखक, हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में प्रदर्शित करता है, दिखाता है, हाउ, कैसे, ग्रेट लालच फॉर मेटेरियल थिंग्स, मेटेरियल, भौतिक थिंग्स, वस्तुओं के प्रति, एग्जिस्टेड, अस्तित्व में है, यानी कि रहता है, इन ह्यूमन बीइंग्स, मानवों में। लेखक दिखाता है कि मानवों में भौतिक वस्तुओं के प्रति लालच किस प्रकार से स्थापित है, किस प्रकार से रहता है। द स्टोरी, ये कहानी, अपहोल्ड्स, कायम रहती है, द बिलीफ, इस विश्वास पर, दैट द इसेंटियल गुडनेस, कि इसेंटियल अनिवार्य या आवश्यक गुडनेस, अच्छाई, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की, कैन बी अवेकन, जगाई जा सकती है, थ्रू लव, प्रेम से, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ से। ये कहानी इस विश्वास पर कायम है कि प्रेम और समझ के द्वारा किसी भी व्यक्ति में
अनिवार्य अच्छाई को जगाया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन। अब हम पहुँचते हैं टेक्स्ट पर और बिना देरी के ये शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय द रेड ट्रैप, रिटन बाय सैल्मन लेगरलॉफ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वंस अपॉन ए टाइम दो चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, या तो इसका अर्थ हम निकालेंगे बहुत समय पहले या एक बार। ए मैन एक आदमी था, हु वेंट जो जाता था, अराउंड चारों ओर, सेलिंग बेचने, स्मॉल छोटी छोटी रेड ट्रैप्स छुएदानियाँ और वायर तार की। बहुत समय पहले एक आदमी था जो तार से बनी छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए चारों ओर जाता था। वह बनाता था देम उनको हिमसेल्फ स्वयं ही एट ऑड मोमेंट्स ऑड विषम मोमेंट्स छड़ों में परिस्थितियों में फ्रॉम द मटेरियल सामान से ही गॉड जो वो पाता था बाई मै बैगिंग मांग कर इन द स्टोर्स दुकानों में और एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े फार्मों से या फार्म हाउसों से। वो उनको बड़ी बड़ी दुकानों और बड़े फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से विषम परिस्थितियों में स्वयं ही बनाता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस उसका व्यापार वॉज नॉट स्पेशली विशेष रूप से प्रॉफिटेबल लाभदायक नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू, उसे पड़ता था रिसोर्ट सहारा लेना टू बोथ, दोनों का, बैगिंग भीख मांगने का एंड पैटी थीवरी मीन्स छोटी मोटी थीवरी चोरियों का, टू कीप रखने के लिए बॉडी शरीर को एंड साउल आत्मा को टुगेदर साथ साथ, शरीर और आत्मा को साथ साथ रखना। अच्छा, अब इसका देखिए किस तरीके से यूज किया गया। शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो आदमी मर जाएगा, तो शरीर के अंदर आत्मा बनाए रखने के लिए, इसका मतलब ये है कि अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। तो उसे उसका व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, इसलिए उसको अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो, फिर भी हिज क्लॉथ, उसके कपड़े वर थे इन रैक्स, रैक्स मतलब चीथड़े यानी फटे हुए, फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, हिज चीक्स उसके गाल वर संकन पिचके हुए थे एंड हंगर और भूख ग्लिम्ड झलकती थी इन हिज आइज उसकी आंखों में। तो ये चूहेदानियाँ बेचता था, चूहेदानियाँ दुकानों से और फार्म हाउसों से सामान ला करके उस सामान से विषम परिस्थितियों में भी चूहेदानियाँ बनाकर बेचता था, उसके बावजूद भी उसका व्यापार अच्छा नहीं था। फिर इस सब के अलावा भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था। इस सब के बावजूद भी उसके कपड़े फटे थे, उसके गाल पिचके थे और उस भूख उसकी आंखों में झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगबॉन्ड। नो वन, कोई भी नहीं कैन इमेजिन, कल्पना कर सकता है हाउ, कितनी सैड दुखी एंड मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस मतलब नीरस लाइफ, जीवन कैन अपीयर प्रकट होना यानी हो सकती है टू सच, ऐसे बैगवॉन्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, जो घूमता रहता हो। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि एक घुमक्कड़ के लिए जीवन इतना दुखमय और नीरस हो सकता है। हो जो प्लॉट्स चलता हो अलोंग द रोड, सड़कों पर, लेफ्ट छोड़ दिया गया हो हिज अपनी ऑन निजी मेडिटेशंस, ध्यान मुद्रा मतलब विचारों में छोड़ा हुआ मतलब विचारों में खोया हुआ। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि एक घुमक्कड़ का जीवन इतना दुखमय और नीरस हो सकता है जो अपने विचारों में खोया हुआ सड़कों पर चलता रहता हो। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दिस मैन, यह व्यक्ति हेड फॉलन, गिर गया इनटू ए लाइन, एक लाइन में ऑफ थॉट, विचारों की।
एक दिन ये व्यक्ति विचार की लाइन में गिर गया, मतलब एक दिन इस व्यक्ति को एक विचार आया। ये विचार क्या था? विच रियली ये वास्तव में सीम्ड लगा टू हिम, उसको एंटरटेनिंग, मनोरंजक। एक दिन उसको एक विचार आया और ये विचार उसको बहुत ही मनोरंजक लगा। क्या विचार था? ही हैड नेचुरली वो स्वाभाविक रूप से विन थिंकिंग, सोच रहा था ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में। स्वाभाविक था कि चूहेदानियाँ बेचता था, चूहेदानियों के बारे में सोचेगा ही। तो एक दिन स्वाभाविक रूप से वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वैन सडनली कि जब वैन जब अच सडनली अचानक ही वाज स्ट्रक माने लगा, वाई द आइडिया, विचार से। स्ट्रक मीन्स लगा एक विचार, उसको एक विचार लगा, यानी कि उसको एक विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, अबाउट हिम, उसके चारों तरफ, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, अपनी इसकी सारी भूमि, एंड सी समुद्र, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेजेज, और गांव, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए वेग रेट ट्रॉप, बल्कि बिग बड़ा रेट ट्रैप, चूहेदानी है। एक दिन जब वो स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, अचानक उसे एक विचार आया, और यह विचार ये था कि सारा का सारा संसार, जो अपनी सारी भूमि, समुद्र, शहरों और गांव सहित, ये सब और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इट हैड नेवर, ये कभी भी नहीं एग्जिस्टेड, मतलब अस्तित्व में होना, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी अन्य आधार पर, अन्य पर उद्देश्य से, देन टू सेट बेट्स, बेट्स मीन्स सेट बेट्स, चारा डालना फॉर पीपल, लोगों को। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को चारा डालना है। ये मतलब कहने का, जिस तरह से हम चूहेदानियों में चारा डाल करके, चारे के लालच में फंसा करके चूहों को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये सिर्फ इसीलिए अस्तित्व में है कि लोगों को चारे के लालच में फंसाकर पकड़ना है, बंद करना है। तो इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थापित, अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को चारे के जाल में फंसाना है। इट ऑफर्ड, ये पेश करता है, रिचिज, धन, एंजॉयज, आनंद, शेल्टर यानी कि आश्रय, सरल, एंड फूड, भोजन, हीट, गर्मी, एंड क्लोथिंग, कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही जैसे द रेड ट्रैप चूहेदानी ऑफर्ड पेश करती है, चीज, पनीर, एंड पोर्क, सुअर का मांस। ये धन, आनंद, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े ऑफर करती है, यानी कि पेश करती है। मतलब कहने का, ये जो दुनिया है, जो कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, ये लोगों को ये भी चारा डालती है। ये कैसा चारा डालती है? ये धन का, आनंद का, आश्रय का, भोजन का, गर्मी का और कपड़ों का चारा डालती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चूहेदानी पनीर और सुअर के मांस का चारा डालती है। एज सुन एज, जैसे ही, एज एनी वन, कोई, लेट हिमसेल्फ देता है हिमसेल्फ, स्वयं को, बी टेम्प्टेड, लालच में फंसने देना, टू टच, छूने का, द बेड, चारे को। जैसे ही कोई अपने आप को इस लालच में फंसकर इस चारे को छूने देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही लालच में आकर इस चारे को छूता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इट क्लोज, बंद कर देती है, मतलब ये उसको बंद कर देती है। तो जैसे कि कोई चूहेदानी होती है, चूहा जैसे ही उसको, उसमें फंसे हुए कोई खाने की चीज को खाने के लिए छूता ही है, वैसे ही चूहेदानी बंद हो जाती है। तो वैसे ही उसने कहा, उसने ऑब्जर्व किया, मतलब इमेजिन किया, एक तरह से कल्पना की कि ये बड़ी जो चूहेदानी है, इसमें बहुत सारे चारे हैं, और इन चारों को छूने की, जैसे ही कोई लालच में फंसता है, लालच में फंस करके छूने की कोशिश करता है, ये बंद, उसको बंद कर देती है। एंड देन, और तब, एवरीथिंग, प्रति एक चीज, केम टू एन एंड, अंत की तरफ आ जाती है, मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता है।
द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। द वर्ल्ड संसार हैड ऑफ कोर्स वास्तव में नेवर बीन नहीं रहा, कभी नहीं रहा वेरी काइंड, बहुत दयालु टू हिम उसके प्रति। यह संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम, इसलिए उसको मिलता था, ये देता था उसको अनवांटेड अनचाहा जो है आनंद। टू थिंक, सोचना इल गलत बुरा ऑफ इट, इसके बारे में इन दिस वे, इस तरीके से। यह संसार उसके विषय में उसके तरफ कभी भी दयालु नहीं रहा, इसलिए इसके प्रति बुरा सोचना उसको एक अनचाहा, एक अजीब सा सुख देता था। इट बिकेम, ये बन गया था ए चेरिस्ड, चेरिस्ड मतलब इच्छित, पास्ट टाइम मनोरंजन ऑफ इट उसका, ड्यूरिंग मैनी, ड्यूरिंग दौरान मैनी बहुत सारे प्लॉडिंग्स यात्राओं के, अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान ये उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था। मतलब जैसे ही वो यात्राएं करता था, टू थिंक, सोचना ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, ही न्यू, जिन्हें वो जानता था, हु लेट देम, जिन्होंने दिया था देम सेल्फ, स्वयं को बी कॉट, फंसने देना इन द डेंजरस, डेंजरस खतरनाक सीनियर खतरों में, सॉरी जाल में, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में भी, हु जो वर स्टिल, अभी भी सर्कलिंग, चक्कर लगा रहे थे अराउंड द बेड, अराउंड चारों तरफ बेड, चारे के। ये सूचना विभिन्न यात्राओं के दौरान उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था कि कैसे उन लोगों ने, जिन्हें वो जानता था, स्वयं को एक खतरनाक जाल में फंसने दिया था। वो जब अपनी यात्राओं के दौरान अपने इस विषय पर सोचता था कि यह पूरा संसार एक चूहेदानी है, तो जब वो अपनी नीरस यात्राओं पर जाता था, तो ये सोचना उसका एक इच्छित मनोरंजन बन गया था। जानबूझकर सोचता था और मनोरंजन के रूप में उसको लेता था। वो सोचता था उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था, और इन लोगों ने स्वयं को एक खतरनाक जाल में फंसवा दिया था। मतलब खुद ही उन्होंने ऐसे काम किए थे जो अपने आप को एक खतरनाक जाल में फंसा बैठे, और अन्य लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी भी उस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। मतलब एक चारे के लालच में आकर के, कोई ना कोई वस्तु के लालच में आकर के, कुछ लोगों ने स्वयं को एक खतरनाक जाल में फंसा दिया था, और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ऑन वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज जब ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग मीन्स होता है थककर चलना, मतलब धीरे धीरे चलना, थकावट के कारण धीरे धीरे चलना, अलोंग द रोड सड़क के साथ साथ, ही कॉट साइट, कॉट साइट, कॉट मतलब पकड़ी, साइट दृष्टि, दृष्टि पकड़ी यानी कि दृष्टि पड़ी, ऑफ ए लिटिल, छोटी सी, ग्रे, ग्रे मीन्स पुरानी कॉटेज, झोपड़ी पर, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एक अंधेरी शाम जब वो सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था, तो उसकी नज़र एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी पर पड़ी जो कि सड़क के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड, और उसने खटखटाया ऑन द डोर, दरवाज़ा, उसने दरवाज़ा खटखटाया, टू आस्क, मांगने के लिए, शेल्टर, आश्रय, शरण, फॉर द नाइट, रात के लिए। उसने रात भर के शरण पूछने के लिए, रात को आश्रय मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। नॉर ही वाज रिफ्यूज्ड, नॉर ना ही वाज था रिफ्यूज, मना किया गया, यानी उसको मना भी नहीं किया गया, यानी कि उसको आश्रय मिल गया। इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेज, इंस्टीड स्थान पर, ऑफ द सावर दुखी फेसेज, चेहरों के, विच ऑर्डिनरीली, जो ऑर्डिनरी सामान्यता मैट हिम, उससे मिलते थे। मतलब जो लोग अक्सर उससे मिलते थे उनके चेहरे दुखी होते थे, तो इस आदमी का ऐसा नहीं था। उससे मिलने वाले सामान्य लोगों के दुखी चेहरों के स्थान पर द ओनर, मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो था एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विदाउट वाइफ, ना ही ना तो पत्नी थी, और वाइफ, और ना ही कोई बच्चा था, वाज हैप्पी, खुश था,
टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक बात करने के लिए, टू इन हिज लोनलीनेस, टू इन हिज अपने लोनलीनेस अकेलेपन में। अब सामान्यतः मिलने वाले दुखी चेहरों के स्थान पर मालिक यानी उस घर का मालिक जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, वो अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बहुत खुश था। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। इमीडिएटली तुरंत ही पुट, उसने रख दिया पोरिज पॉट दलिये का बर्तन ऑन द फायर, आग पर। उसने तुरंत दलिये का बर्तन आग पर रख दिया यानी आग पर चढ़ा दिया एंड गेव हिम सुपर, गेव हिम उसको दिया सुपर रात का भोजन, यानी कि उसको रात का भोजन कराया। तुरंत उसने दलिये का बर्तन आग पर रख दिया, आग पर चढ़ा दिया और उसको रात का भोजन कराया। देन ही कार्ब्ड ऑफ, कार्ब्ड ऑफ काट के अलग किया, सच ए बिग स्लाइस, सच इतना बिग स्लाइस बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू के रोल बंडल से, दैट इट वॉज एनफ, कि यह वॉज एनफ पर्याप्त था, फोर्थ बोथ फॉर दोनों के लिए, द स्ट्रेंजर अजनबी, पाइप, पाइप मतलब चिलम, एंड हिज ओन और स्वयं के। उसके बाद उसने अपने तंबाकू के बंडल से काट कर एक बड़ा टुकड़ा अलग किया जो कि उस अजनबी और उसके स्वयं की चिलम के लिए पर्याप्त था, मतलब चिलम में अब तंबाकू रख करके उसको पिया जाता है। तो फाइनली अंत में ही गोट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गोट आउट वो लेकर आया ओल्ड पैक, पुराना पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी, पैक गड्डी होता है कार्ड्स ताशों की, एंड और प्लेड खेला जोलिस, जोलिस नामक खेल विद हिज गेस्ट अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम जब तक कि ना, अंटिल जब तक कि ना बेड टाइम सोने का समय हो गया यानी सोने के समय तक। अंत में वो एक पुराने ताश की गड्डी लेकर आया और मजोलिस नामक खेल खेला जब तक कि सोने का समय ना हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी वॉज जस्ट एज जनरस उतना ही उदार था विद हिज कॉन्फिडेंसेज अपने भेदों के प्रति, अपने रहस्यों के प्रति, विद हिज एज जितना कि विद हिज पोरिज एंड टोबैको, पोरिज दलिया एंड टोबैको तंबाकू के लिए। बूढ़ा आदमी जितना उदार अपने तंबाकू और दलिया के लिए था उतना ही उदार वो अपने भेदों के लिए भी था, अपने रहस्यों के लिए भी था, यानी जिस उदारता से उसने अजनबी व्यक्ति को दलिया और तंबाकू भेंट किया था उसने ही उदारता से उसने अपने सारे भेद भी उसको बता दिए। क्या बताया था? द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट मेहमान, मेहमान कौन, चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति उसके घर पे आया था, वाज इन्फॉर्म्ड उसको सूचित किया गया एट वंस तुरंत, दैट इन हिज डेज कि अपने दिनों में और प्रॉस्पेरिटी या समृद्धता के, हिज होस्ट उसका मेजबान, मेजबान कौन, वो बूढ़ा व्यक्ति, हैड बीन ए क्रॉफ्टर किसान होता था, एट राम से आयरन वर्क्स, राम से आयरन वर्क्स यानी कि लो उद्योग में। मेहमान को तुरंत सूचित किया गया कि अपने समृद्धता के दिनों में उसका मेजबान राम से लोह उत्पाद में, लोह उद्योग में एक किसान हुआ करता था एंड हैड वर्क, और काम करता था ऑन द लैंड, भूमि पर, और भूमि पर काम करता था। नाउ अब दैट ही वाज नो लॉन्गर, ही वाज वह था नो लॉन्गर एबल, योग्य नहीं था, नहीं कर पाता था, टू डू करना डे लेबर, दिन का परिश्रम, दिन की मजदूरी, अब वो पूरे दिन मजदूरी नहीं कर पाता था। इट वॉज हिज काओ, ये उसकी एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सहयोग करती थी, सपोर्टेड मतलब मदद करती थी या उसका सहारा थी, अब केवल उसकी एक गाय थी जो उसका सहारा थी। यस दैट वॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ दैट वॉसी, वॉसी मतलब ये जो गाय थी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण थी, हाँ ये गाय असाधारण थी, सी कुड गिव मिल्क, ये दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी मक्खन के लिए, एवरी डे रोजाना,
ये रोजाना मक्खन के लिए दूध दे सकती थी एंड लास्ट मंथ और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने पाए थे ऑल ऑफ 30 करोनोर, पूरे 30 करोनोर इन पेमेंट भुगतान में, और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में पूरे 30 करोनोर मिले थे। द स्ट्रेंजर, अजनबी, मस्ट हैव सीम्ड जरूर लगा होगा इनक्रेडिबल, सॉरी इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वासी, यानी विश्वास ना करना। वो अजनबी जरूर अविश्वासी लगा होगा, यानी बूढ़े आदमी को जरूर ये लगा होगा कि ये अजनबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। फोर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टुक डाउन, उतारा ए लेदर पाउच, लेदर चमड़े का पाउच थैला, विच हंग, जो टंगा हुआ था ऑन ए नेल, एक कील पर, इन द एवरी विंडो, प्रत्येक खिड़की फ्रेम ढांचे में। क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की पर गया, वहाँ खिड़की के ढांचे में लगी कील पर टंगा हुआ एक चमड़े का थैला उतारा एंड पीक्ड आउट, और बाहर निकाले 3 रिंकल्ड मुड़े हुए 10 क्रोनोर, 10 क्रोनोर के बिल्स नोट। वो अजनबी निश्चित रूप से ऐसा लगा होगा कि उस बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की पर गया, जहाँ पर खिड़की के ढांचे में लगी कील में एक चमड़े का थैला टंगा हुआ था, उसको उतारा और 3 मुड़े हुए 10 10 क्रोनोर के नोट निकाले। यस दैट वॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ दैट वॉसी, वॉसी मतलब ये जो गाय थी, वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण थी। हाँ ये गाय असाधारण थी, सी कुड गिव मिल्क, ये दूध दे सकती थी। फॉर द क्रीमरी, मक्खन के लिए, एवरी डे रोजाना, ये रोजाना मक्खन के लिए दूध दे सकती थी एंड लास्ट मंथ और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने पाए थे ऑल ऑफ 30 करोनोर, पूरे 30 करोनोर इन पेमेंट भुगतान में, और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में पूरे 30 करोनोर मिले थे। द स्ट्रेंजर, अजनबी, मस्ट हैव सीम्ड जरूर लगा होगा इनक्रेडिबल, सॉरी इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वासी, यानी विश्वास ना करना। वो अजनबी जरूर अविश्वासी लगा होगा, यानी बूढ़े आदमी को जरूर ये लगा होगा कि ये अजनबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। फोर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टुक डाउन, उतारा ए लेदर पाउच, लेदर चमड़े का पाउच थैला, विच हंग, जो टंगा हुआ था ऑन ए नेल, एक कील पर, इन द एवरी विंडो, प्रत्येक खिड़की फ्रेम ढांचे में। क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की पर गया, वहाँ खिड़की के ढांचे में लगी कील पर टंगा हुआ एक चमड़े का थैला उतारा एंड पीक्ड आउट, और बाहर निकाले 3 रिंकल्ड मुड़े हुए 10 क्रोनोर के बिल्स नोट। वो अजनबी निश्चित रूप से ऐसा लगा होगा कि उस बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की पर गया, जहाँ पर खिड़की के ढांचे में लगी कील में एक चमड़े का थैला टंगा हुआ था, उसको उतारा और 3 मुड़े हुए 10 10 क्रोनोर के नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, दीज इनको, यानी उन पैसों को, ही हेल्ड अप, उसने हेल्ड अप पकड़े, बिफोर द आइज, आंखों के सामने, ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के, उन पैसों को उसने अपने मेहमान के आंखों के सामने पकड़ा, यानी कि इस तरह से दिखाया कि वो देख ले। नोडिंग, सिर हिलाया, नोइंगली, जानबूझकर सिर हिलाया। एंड देन, और तब, स्टफ्ड देम बैक, वापस भर लिया, वापस ठूंस लिया इन टू द पाउच, थैले में, और उसके बाद उसने उनको वापस उस थैले में ही रख लिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों ही व्यक्ति, गॉट अप, उठे, इन गुड सीजन, गुड अच्छे सीजन, वैसे ऋतु होता है, सीजन मतलब यहाँ पे अच्छी ऋतु में नहीं, अच्छे मूड में, अच्छे स्वभाव में, या कहना चाहिए कि अच्छी स्थिति में। अगले दिन दोनों ही लोग बहुत अच्छी स्थिति में
सोकर उठे। द क्राफ्टर, वो कृषक, वो किसान, वह जिन्हें हरी जल्दी में था टू मिल्क, दूध निकालने की यानी दूहने की हिजकाओ अपने गाय के। वो किसान अपनी गाय को दूहने की जल्दी में था। एंड और द अदर मैन, दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली संभवतः, थॉट, सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, ही शुड नॉट, उसको नहीं चाहिए स्टे इन बेड, रुकना बेड, बिस्तर पर। व्हेन, जब द हेड, मालिक, मुखिया ऑफ द हाउस, घर का, हैड गॉटन अप, उठ चुका है। अगली सुबह दोनों ही लोग अच्छी मनस्थिति में जागे। किसान अपनी गाय को दूहने की जल्दी में था और दूसरे व्यक्ति ने, जो कि वो चूहेदानी बेचने वाला था, संभवतः उसने सोचा होगा कि जब घर का मालिक ही उठ चुका है तो मुझे अब बिस्तर पर नहीं रुकना चाहिए। द डे दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा द कॉटेज, उस झोपड़ी को, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, उन्होंने एक ही समय पर झोपड़ी को छोड़ा। द क्राफ्टर, वो किसान, लॉक्ड द डोर, दरवाज़ा उसने लॉक किया यानी ताला लगाया। एंड पुट द की, और चाबी रखी, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। किसान ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रखी। द मैन, वह व्यक्ति, विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों वाला, सैड गुड बाय, उसने नमस्कार किया। एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन, उसके बाद, ईच, प्रत्येक, बेंट हिज ऑन वे, बेंट, चला गया हिज ऑन, अपने वे, रास्ते पर। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उसे नमस्कार किया, उसको धन्यवाद दिया, और उसके बाद प्रत्येक यानी दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन हाफ एन आवर, आधा घंटा लेटर बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, रेड ट्रैप चूहेदानियाँ, पैडलर यानी बेचने वाला जो था, स्टूड, खड़ा था अगेन, फिर से, बिफोर द डोर, उसी दरवाजे के साथ। लेकिन आधा घंटा बाद वो चूहेदानी बेचने वाला फिर से उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अंदर जाने का, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, तथापि, आधा घंटे बाद वो चूहेदानियाँ बेचने वाला उसी दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, ही ओनली, वो केवल बेंट अप गया टू द विंडो, खिड़की के पास, वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, स्मैश्ड, तोड़ा, ए पेन, कांच, एक कांच तोड़ा, स्टक इन हिज हैंड, स्टक इन, अंदर डाला हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, गॉट होल्ड, पकड़ा, ऑफ द पाउच, वो थैला, विद द 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर वाला, उसने नहीं, वो खिड़की के पास गया, उसने एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और वो 30 क्रोनोर वाला थैला पकड़ लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, ही टुक द मनी, उसने पैसा निकाला, थ्रस्ट इट, इसको डाल लिया, इन टू हिज ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, उसने वो धन निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। देन, तब, ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, देन तब ही हंग, उसने लटका दिया द लेदर पाउच, वो चमड़े का थैला, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, उसके स्थान पर, एंड वेंट अवे, और चला गया। उसके बाद उसने वो थैला बहुत सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और उसके बाद वहाँ से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, एज, जब ही वॉक्ड, वो चला विद द मनी, पे धन लेकर के, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्वाइट प्लीज्ड, बहुत प्रसन्न, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चलाकी से, यानी अपनी चलाकी पर। जब वो जेब में धन लेकर चला तो अपनी चलाकी पर बहुत प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट इट फर्स्ट, की शुरुआत में, ही डेयर्ड नॉट, उसमें हिम्मत नहीं थी कंटिन्यू जारी रखने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, मुख्य सड़क पर, बट मस्ट
बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ, टर्न ऑफ होता बंद कर देना, द रोड रास्ता, रास्ता बंद कर देना चाहिए यानी रास्ता बदल देना चाहिए, इन टू द वुड्स जंगलों में यानी जंगल में जाना चाहिए। वास्तव में उसने महसूस किया कि शुरुआत में उसके अंदर मुख्य सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने सोचा रास्ता बदल देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, ड्यूरिंग दौरान द फर्स्ट आवर्स प्रथम घंटों के, दिस कॉज्ड, इससे किससे, जंगल से, कॉज्ड हिम, उसको हुई नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं। प्रथम घंटों के दौरान उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन, बाद में, द डे, दिन में, इट बिकेम वर्स, इट बिकेम, ये हो गया वर्स, खराब, बदतर। तो कुछ देर बाद में, दिन चढ़ने के कुछ देर बाद, दिन बढ़ने के, दिन का समय आगे बढ़ने के कुछ देर बाद उसके लिए ये खराब होता चला गया, बदतर होता चला गया। फोर, क्योंकि इट वॉज ए बिग, ये था एक बड़ा एंड कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग भ्रमित करने वाला फॉरेस्ट जंगल, क्योंकि ये बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था, विच ही हैड, जिसमें गॉटन इनटू, गॉटन इनटू पहुंच गया था, जिसमें वो पहुंच गया था, यानी ये कह सकते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, आश्वस्त होने का, निश्चित होने का, आश्वस्त होने का, टू वॉक, चलने के लिए, इन ए डेफिनेट, एक निश्चित डायरेक्शन, दिशा में। आश्वस्त होने के लिए उसने प्रयास किया कि वो एक निश्चित दिशा में चले, यानी उसने सोचा कि यदि मैं एक ही दिशा में लगातार चलूंगा तो शायद जंगल के किसी न किसी छोर पर पहुंच जाऊंगा। बट द पाथ्स, लेकिन रास्ते ट्विस्टेड, मुड़ रहे थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, बड़े अद्भुत तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से, लेकिन रास्ते बड़े अजीबो गरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। ही बॉग्ड एंड बॉग्ड, वो चलता रहा, बॉग्ड चलता रहा, एंड बॉग्ड चलता रहा, विदाउट कमिंग, बिना आए, टू द एंड, अंत ऑफ द वुड, जंगल का। एंड फाइनली, अंत में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन, कि वह केवल वॉकिंग चल रहा था, अराउंड इन द सेम, घूम फिर कर, सेम, एक ही पार्ट, हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। वो चलता रहा और जंगल का कोई अंत, कोई छोर नहीं आया, और अंत में उसने महसूस किया कि वो केवल घूम फिर कर जंगल के एक ही हिस्से में चल रहा था। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, अचानक से, यकायक, ही रिकॉल्ड, याद किया, उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, चूहे रानी के बारे में। अचानक उसे अपने विचार याद आए जो कि इस संसार और चूहेदानी के विषय में थे, यानी अचानक उसे अपने इस संसार के और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। नाउ, अब, हिज ऑन टर्न, उसका ऑन, अपना, खुद का टर्न, बारी, हेडगम आ गई थी, अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। इसका मतलब उसने जो विचार थे, वो सोचता था कि ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है, और इसमें जैसे कि हम छोटी चूहेदानी में चारा डाल करके किसी चूहे को फंसाते हैं, उसी प्रकार से इस बड़ी चूहेदानी में भी कोई ना कोई चारे का इस्तेमाल करके हम मनुष्यों को, लोग बंद कर लेते हैं, उनको फंसा लेते हैं। तो उसने सोचा कि इस बार चारे का इस्तेमाल मेरे लिए हो गया है और मैं अब इसमें फंस गया हूँ, इस बार मेरी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, ही हैड, उसने लेट हिमसेल्फ, अपने आप को करने दिया बी फूल्ड, मूर्ख बनाने, बाई ए बैट, एक चारे द्वारा, वो एक चारे द्वारा मूर्ख बनाया गया है, यानी कि जो उसने पैसा चुराया है, उसने सोचा ये चारा था, मैंने ये चारा इस्तेमाल कर लिया, यानी मैं इस चारे पर
लालायित हो गया, लालच में आ गया और इसने मुझे मूर्ख बनाया है। मतलब जैसे चूहेदानी में चारा डाल के चूहे को मूर्ख बनाया जाता है, वो मूर्ख बनकर ही तो अंदर आता है, वो सोचता चारा खा लूंगा, लेकिन होता क्या है कि वो फंस जाता है। वही उसने सोचा कि इस चारे ने मुझे मूर्ख बना दिया है, एंड हैड बीन कॉट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। कॉट मीन्स पकड़ा गया। तो उसने कहा इस चारे द्वारा मुझे मूर्ख बनाया गया है और मैं अब यहाँ पकड़ा गया हूँ। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, अपने तनों एंड ब्रांचेस, शाखाओं, इट्स थिकेट्स, झुरमुटों एंड फॉलन लॉग्स, फॉलन गिरे हुए लॉग्स, लट्ठों, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, क्लोज्ड इन, बंद कर दिया है अपॉन हिम, उस पर बंद हो गया है। मतलब जैसे चूहेदानी के अंदर चूहा आता है, उसके ऊपर से एकदम से चूहेदानी बंद हो जाती है, उसी तरह से वो कहता है इस सारा का सारा जंगल जिसमें अपने सारे तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ ये मेरे ऊपर बंद हो गया है। यानी कि ये चूहेदानी की तरह है जिसमें मैं फंस गया हूँ, ये सब इसमें लगा हुआ है इस चूहेदानी में, और मैं इसके अंदर बंद हो गया हूँ। लाइक एन इन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल होता अभेद्य, जिसको कोई भी तोड़ ना सके, प्रिजन जेल, ये जो है इसमें मैं बंद हो गया हूँ, ये एक अभेद्य जेल की तरह है, फ्रॉम विच जिससे ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके माने बचना, वह कभी भी नहीं बच पाएगा, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का लेट यानी अंत चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी, डार्कनेस अंधेरा ऑलरेडी पहले से ही डिसेंडिंग उतर रहा था ओवर द फॉरेस्ट, जंगल पर, जंगल में पहले ही अंधेरा उतर रहा था, यानी जंगल पहले से ही अंधकार में होता चला जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, दिस इंक्रीज इससे बढ़ गया, द डेंजर खतरा, इससे खतरा बढ़ गया, एंड इंक्रीज और बढ़ गई ऑल्सो हिज ग्लूम, उसकी उदासी, एंड डिस्पेयर, उस और निराशा, डिस्पेयर निराशा, इससे उसका, इससे खतरा बढ़ने लगा, और खतरे के साथ साथ उसकी उदासी और उसकी निराशा भी बढ़ने लगी। फाइनली ही सा नो वे आउट, फाइनली अंत में ही सा उसने देखा नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं, यानी कि उसे अब कोई उपाय नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन, सैंक डाउन होता है डुबकी, जैसे उसमें डूब जाना, पानी में डूब जाना, यानी कि, लेकिन यहाँ पानी नहीं था, पानी में डूबने का कोई सवाल नहीं, लेकिन वो मतलब जैसे पानी में नीचे जाते हैं वैसे ही वो ज़मीन पर, मतलब कहना चाहिए गिर गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। टायर्ड टू डेथ, टायर्ड इतना थका था टू डेथ, मृत्यु के लिए, जैसे कि मृत्यु आ जाए, जैसे मर रहा हो, इतना थका हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ। थिंकिंग, सोच रहा था, दैट हिज लास्ट मोमेंट, कि उसका अंतिम क्षण हैड कम, आ गया है। अंत में उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, वह जमीन पर बहुत थककर गिर गया और सोचने लगा कि उसका अंतिम क्षण, अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही लेड, उसने रखा, टिकाया हिज हेड, अपना सिर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ही हियर्ड, उसने सुनी ए साउंड, एक आवाज़। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, उसने एक आवाज़ सुनाई सुनी ए हार्ड, कैसी आवाज़ थी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ए हार्ड, एक तेज, तीव्र, रेगुलर, लगातार थम्पिंग, थप थप की आवाज़, एक तेज लगातार थप थप की आवाज़ आ रही थी। देर वॉज नो डाउट, देर वॉज नहीं था, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं था, एज टू वर्ड, कि टू वॉट दैट वाज, वॉट दैट वाज, वो क्या था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये क्या था, इसका मतलब वो जानता था कि ये काय की आवाज़ है। ही रेज्ड, उसने उठाया हिमसेल्फ, स्वयं को, उसने स्वयं को उठाया, यानी वो उठा। 2000 द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, 2000 ये हैमर, हथौड़ी के स्ट्रोक्स, बार, हथौड़ी से बार करना, फ्रॉम एन आयरन मिल, फ्रॉम आयरन मिल, आयरन मतलब लोहे के मिल, कारखाने का। तो उसने सोचा कि ये लोहे के कारखाने से आने वाली हथौड़ी के बार की, हथौड़े के
प्रहार की आवाजें हैं, ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी, होने चाहिए पीपल नियर बाय, आसपास में लोग होने चाहिए। मतलब जब उसे सुनाई पड़ा कि यहाँ कोई आयरन मिल है और उसमें से ये हथौड़े के प्रहार की आवाज़ें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसने सोचा कि यहाँ पर आदमी आसपास में होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी समंड बुलाया है, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत को बुलाया, यानी उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। गॉट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड, कांपते हुए चला, लड़खड़ाते हुए चला, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, आवाज़ की। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, उठा और आवाज़ की दिशा में कांपते हुए, यानी आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चलने लगा। द रामसे आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। रामसे लोह उद्योग विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद पड़ा है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय पहले नहीं, यानी थोड़े समय पहले, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, प्रगालक, रोलिंग मिल, बेलनी एंड फोर्ज, ढलाई घर। रामसे लोह उद्योग जो अब बंद पड़ा है, थोड़े समय पहले प्रगालक, बेलनी और ढलाई घर युक्त एक बड़ा कारखाना होता था। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइंस, बड़ी लंबी कतारें, ऑफ हैवली भारी लोडेड, भरी हुई, पूरी भरी हुई, बार्जिज एंड स्कॉच नावें, बार्जिज भी नावें होता है, स्कॉच भी नावें होता है, स्कॉच होता है माल से लदी हुई, बार्जिज होता है छोटी छोटी नावें, तो माल पूरी भरी हुई नावें स्लिट डाउन, चलती थी कैनाल, नहर में। गर्मियों के समय में पूरी भरी हुई नावों की कतारें नहर में चलती थी, विच लैड, जो ले जाती थी, जाती थी, टू ए लार्ज, एक बड़ी इनलैंड लेक, इनलैंड आंतरिक, अंदर के ही, यानी इसी भाग के लेक, झील में, जो इसी भाग में स्थित झील, एक बड़ी झील में ले जाती थी, यानी कि गर्मियों के मौसम में पूरी भरी हुई नावों की कतारें नहर में चलती थी, जो इसी भाग में स्थित एक बड़ी झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के मौसम में, द रोड्स, सड़कें, नियर द मिल, कारखाने के पास की, बर ब्लैक, काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, कोयले की डस्ट, धूल से, विच शिफ्टेड डाउन, जो शिफ्टेड डाउन, छन छन कर गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल, बड़ी बड़ी चारकोल, कोयले की क्रेट, टोकरियों से। और सर्दियों के मौसम में कारखाने के आसपास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो कोयले की बड़ी बड़ी टोकरियों से छन छन कर गिरती थी।